की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज हल्द्वानी के बाजार क्षेत्र में ठेला पर वेंडर समिति के द्वारा स्थानीय ठेला फड व्यवसायों का नगर निगम के द्वारा पंजीकरण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत स्थानीय ठेला पर वालों का सत्यापन कार्य नगर निगम के द्वारा एक स्मार्ट कार्ड बनाकर दिया जाएगा, जिसके पश्चात स्थानीय ठेला फड़ व्यापारी अपना कारोबार हल्द्वानी क्षेत्र एवं बाजार क्षेत्र में कर सकेगा। वहीं यह भी बताया गया कि जो ठेले फड़ वाले व्यापारियों के पास 24 मार्च 2020 के वेंडर कार्ड बनाए गए थे, वही व्यापारी इस स्मार्ट कार्ड के पात्र होंगे। साथ ही यह भी बताया गया कि नगर निगम के द्वारा जो स्मार्ट कार्ड पंजीकरण कार्य चलाया गया है, इसमें केवल राज्य, प्रदेश और स्थानीय लोग ही पात्र होंगे। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले ठेले फड़ वालों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। सत्यापन के बारे में पूछने पर बताया कि जिन व्यापारियों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं राशन कार्ड हल्द्वानी क्षेत्र के ही वर्षों पूर्व बने थे, उन्हीं का केवल स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा। साथ यह भी बताया कि यह कार्य भारत सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री एवं शहरी विकास मंत्रालय के आदेश के बाद प्रारंभ किया गया है। अध्यक्ष का कहना है कि नगर निगम के द्वारा अब शहर में वेंडर जोन बनाया जाएगा, यही लोग वेंडर जोन में अपना व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम पंजीकृत होंगे। शहर में 31 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए। वहीं अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अभी हाल में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह बताया जाता है पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा वेंडिंग जोन स्थलों का, जिसके बाद यह कार्ड धारकों को वेंडिंग जोन में ही स्थान दिया जाएगा। वहीं बाहर से आए व्यापारियों के आधार कार्ड बनाए जाने को लेकर बताया कि पूर्व में लाइन नंबर 1 में पुलिस प्रशासन के द्वारा छापा मारा नकली आधार कार्ड बनाने वालों को पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया था, जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी। साथ ही यह भी बताया कि नगर निगम के द्वारा जो स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, इसमें ठेला फड़ व्यापारियों के वोटर कार्ड, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड स्थानीय होना अनिवार्य है। बाहरी लोगों का कोई भी नगर निगम के द्वारा स्मार्ट कार्ड नहीं बनाया जाएगा। वहीं पूछे जाने पर जो ठेले वालों की तहबजरी की पर्ची काटी जाती है, क्या ठेले वाला एक ही स्थान पर खड़ा होकर अपना व्यापार कर सकता है या लगातार उसको बाजार क्षेत्र में घूमना है, इसके बारे में बताया कि इसमें एक चल, एक प्रकृति, एक साप्ताहिक, इसी योजना के तहत नगर निगम के द्वारा तहबजारी ली जाती है। लॉकडाउन के चलते साप्ताहिक बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित है। सचल ठेले वालों के सत्यापन किए जा रहे हैं। प्राकृतिक बाजार शहरी क्षेत्र में लगभग 2,814 व्यापारी हैं। अभी तक लगभग 800 से 900 ठेले पर व्यापारियों का सत्यापन किया जा चुका है, जिनको सर्वेक्षण के पश्चात नगर निगम के द्वारा स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। सर्वे किया जा रहा है, ये क्या आधार पे किया जा रहा है? ये आधार कार्ड के आधार पे और राशन कार्ड के आधार पे, और हमें मुकम्मल ठिया मिल सके, हम अपना व्यवसाय कर सके, इस आधार पे जो है ये लोग कमेटी वाले फुल मेहनत कर रहे हैं। जो यहाँ के प्रॉपर लोग हैं लगाने वाले, उनके लिए ज़्यादा मेहनत की जा रही है। वहीं जैसे सुनने में आ रहा कि वेंडर जोन बनेगा, तो क्या उसमें जिन लोगों के कार्ड बनाए जा रहे हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी? पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद दूसरों को देखा जाएगा, क्योंकि जो पहले यहाँ पर बाजार में लगाने वाले हैं, ठेले लगाने वाले हैं, पहले उन्हीं को ही प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात हो चुकी है पहले। आप कितने वर्षों से यहाँ लगा रहे हैं? लगभग 20 सालों से। कहाँ रहते हैं लॉन में आप? लाइन नंबर 4 आजाद नगर। आपका नाम? मोहम्मद जफर। सत्यापन की ये किस मसले में हो रही है? ये सत्यापन की कार्रवाई नहीं हो रही है। हम पिछले कई समय से ठेला फड़ वेंडर्स कल्याण समिति संघर्ष करती चली आ रही है कि जो शहर के अंदर, राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जिले वाले जो हैं, जो फेरी व्यवसाय का करते हैं या फुटपाथों पर बैठे हुए हैं, उनका एक नगर निगम द्वारा पंजीकरण होना चाहिए। तो हमारी इस योजना को सफल करते हुए आज नगर निगम द्वारा हमारे जो फुटपाथ पर परमानेंट शहर के और वहाँ के लोग बैठते हैं, जो हमने समिति का संघर्ष चला है, तो आज उनको एक स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है, जो कि उनका प्रमाण होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, कि हाँ जो है ये यहाँ का रहने वाला है और ये यहाँ पर फुटपाथ पर व्यवसाय करता है। इनका सत्यापन किस तरह कर रहे हैं? सत्यापन इस तरीके से कर रहे हैं हम, इनका जो है आधार कार्ड, राशन कार्ड और इनका जो है 24 मार्च 2020 से पहले का जो है, हम इनका जो लाइसेंस है जो हमने नगर निगम के द्वारा दिया गया है, वो इनसे हम वसूल कर रहे हैं।
ये कार्य जो आप कर रहे हैं किसके आदेश के अनुसार होगा? ये कार्य जो है भारत सरकार के और राज्य मुख्यमंत्री या शहरी विकास मंत्रालय के आदेश से हो रहा है। काफ़ी समय से वेंडर जोन की मांग उठती चली आ रही है, क्या जब वेंडर जोन बनाया जाएगा तो सबसे पहले जगह इनोवो दी जाएगी? जी हाँ, ये हमारे पहले से हमने पूर्व में आज से 3 साल पहले जो है 31 वेंडर जोन चिन्हित किए थे, जिसमें अभी 4 वेंडर जोन जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं और उनको भी वेरिफिकेशन दे दिया गया। अभी टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा वेंडिंग जोनों को। इस सर्वे के आधार पर जब ये कार्ड और इनका वितरण हो जाएगा, हमें मालूम पड़ जाएगा हमने कितने लोगों को ये दिया है, तब हमारी गिनती पूरी हो जाएगी। कुछ मामले शहर में ऐसे आते हैं जो लोग बाहर से काम फेरी करने आते हैं, ठेला लगाने आते हैं, वो यहाँ पे राशन कार्ड वगैरह इत्यादि बना लेते हैं और कैसे बनते हैं तो हमको जानकारी नहीं है, तो उन लोगों का कार्ड कैसे बनेगा? देखिए, पूर्व में हमें जब हमने सत्यापन करना शुरू करा था पुलिस प्रशासन के साथ में, DIG के ऑर्डर थे, तो हमने जब वो कार्ड बनाया था समिति की तरफ से और पुलिस प्रशासन के साथ में, तो आपने सुना होगा 1 नंबर के अंदर एक जो है उसी समय एक कार्ड नकली कार्ड आई का आधार कार्ड बनाने वाले कोई पकड़े भी गए थे। उनका क्या हुआ उसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता था कि हाँ पकड़े गए, अखबारों में इस बात का समाचार छपा भी था। और आज हम ये आपसे कह सकते हैं कि ये जो हो रहा है हम इसका सत्यापन कर रहे हैं, उसका आधार कार्ड मांगते हैं, अगर यहाँ का है तो हम उसको ये जो कर रहे हैं उसकी फोटोग्राफी उसी के आधार पर कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं इसमें आपका पुलिस कितना सहयोग कर रही है? पुलिस का अभी कोई इस तरह का सहयोग नहीं लिया गया। पुलिस हमारी जो भी टाउन मेंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी अभी 10 दिन पहले, उसमें जो है पुलिस प्रशासन की ओर से राणा जी ने प्रतिभाग किया था और उनको इस बारे में हमने चर्चा विषय बता दिया गया था। सबसे बड़ा सवाल ये है जो नगर निगम के द्वारा तहर बाजारी की पर्ची काट दिया था ठेलों की, वो किस आधार पर काट दिया थी, घूमने के लिए या एक जगह खड़े होने पर? देखिए ऐसा है, कुछ पहले जो पर्ची का सिस्टम था अब तो तहर बाजारी पूर्ण रूप से भारत सरकार ने बंद कर रखी है। टहरबाजारी ठेका प्रथा पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन नगर निगम अगर उसको टहरबाजारी के रूप में लेता है तो वो नियम के अनुसार नहीं है। अब एक दैनिक शुल्क है जो कि व्यवसायियों को फुटपाथियों के लिए लागू किया गया है टाउन मेंडिंग कमेटी पथ विक्रेता अधिनियम 2016 नियमावली 25 मई 2016 के अनुसार। वहीं शहर में कई जगह स्थान ऐसे देखे गए हैं जो ठेले वाले हैं वो एक जगह ठेला खड़ा करके वहीं इसको स्थायी रूप से बना के बैठे हुए हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हमारी पर्ची कटती है। देखिए इसमें ऐसा है, इसमें 3 योजना होती हैं जो हमारा जो पथ विक्रेता अधिनियम नियमावली उसमें 3 है, एक उसमें चल है, एक स्थिर है, एक प्राकृतिक है, एक साप्ताहिक है। तो उसी योजना के अनुसार कोई स्थिर है, कोई चल है और कोई प्राकृतिक है और एक साप्ताहिक बाजार होता है। तो अभी हमारे साप्ताहिक बाजार लॉकडाउन की वजह से बंद हैं, तो अभी जो है अभी स्थिर और चल वालों का ही कार्यक्रम किया जा रहा है और ये प्राकृतिक बाजार है। बाजार के अंदर कितने व्यवसायी ऐसे हैं जिनका ये फॉर्म भरे? देखिए अनुमानित लागत जो है हमारी 2814 की, जो हमारा पूर्व सर्वे था जो हमारे सार्थक सेवा के द्वारा किया गया था, उसमें 2814 लोग थे और आज हमारे जो नया सर्वेक्षण चल रहा है इसके साथ अनुसार नई गिनती जो मिलेगी आपको लगभग 15 दिन बाद मिल पाएगी, लेकिन अभी तक हमने जो करीब 800-900 लोगों का शहर के अंदर ये कर लिया है। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद अग्निहोत्री, ठेला फड़ वेंडर्स कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष।